कैस वरीज क्या होती है? तो वरी मतलब होता है चिंता करना, और हम लोग चिंता अक्सर करते हैं, सभी लोग करते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसकी वजह से दिमाग में टेंशन आती है और हम लोग कंटिन्यू, कुछ लोग उसको भूल जाते हैं, कुछ लोग उसको कंटिन्यू वरी करते रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर कंटिन्यू वरी करेंगे, चिंता करेंगे, तो आपकी जो बॉडी है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आपको कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वरी करना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ में इसमें कौन कौन सी मेडिसिन लेना है, होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो माइंड लेवल पर काम करती है, मतलब होम्योपैथी मेडिसिन जो असर करती है, वो ऐसा नहीं कि पेट में जाके डिजॉल्व होगी फिर आपको काम करेगी, ऐसा नहीं है। जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है, जब टंग पे मैं डाल रहा हूँ तो वहाँ पर नर्व एंडिंग खुलती है और डायरेक्ट तुरंत उसका एक्शन होता है। एक्यूट केस है सडन और शेट रिस्पॉन्स आता है, और क्रोनिक केस है थोड़ा स्लोली स्लोली करके धीरे धीरे रिजल्ट आ जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन बहुत देर से काम करती है, ऐसा नहीं है गाइस। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत तेज काम करती है, बट डिपेंड करता है कि केस कैसा है। क्रोनिक केस में थोड़ा स्लोली स्लोली काम करता है और उसको जड़ से ख़त्म कर देता है, और जो एक्यूट केस है सडन ऑनसेट रिस्पॉन्स आता है, आप सोच भी नहीं सकते कितना जल्दी इसमें रिजल्ट आता है। तो वरी आप लोग जिसे करते हैं, जिसे किसी को पढ़ाई का टेंशन है, किसी को बिजनेस का टेंशन है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को अपने करियर के बारे में टेंशन है, तो बहुत सारी इस तरह की जो टेंशन होती है मिलके आपको वरी मजबूर कर देती हैं कि आप चिंता करें। और ये कहा गया है कि अगर आप चिंता करते हैं तो आपको जो जीवित शरीर है उसको भी डेड कर देती है। तो इसलिए गाइस आप लोग टेंशन ना करें। अगर इसके बाद भी आपका मन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा, वो आपके माइंड को चेंज कर देगी, और जब आपके माइंड को चेंज कर देगी तो वरी अपने आप ख़त्म हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्थी हो जाएंगे। तो इसलिए ये मेडिसिन जितनी मैं बता रहा हूँ, चार मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो स्वास्थ्य है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, आप किसी से मिलते हैं जुलते हैं तो इरिटेट रहते हैं, और उसके बाद कोई व्यक्ति आपको कुछ कह दिया तो भी वो बातों को आप भूल नहीं पाते हैं, और वो बातें आपके दिमाग में गांठ बंधी जाती हैं, और जिसकी वजह से 24 घंटा उसी बात को सोचते रहते हैं और कोई नया काम आप नहीं कर पाते हैं, जिससे आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, आपकी जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। कोई स्टूडेंट है वो दिन भर कोई बात इस तरह सोच रहा है, मतलब रिजल्ट का पॉजिटिव है निगेटिव है, लोग बहुत सारे तरह तरह टेंशन देते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से पहले यह है कि आप लोगों से दूरी बनाकर रहिए, आप अकेले रहिए और अपने काम को मन लगा के करिए, और साथ ही साथ में अगर इसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा तो ये मेडिसिन जरूर लीजिए। और मेडिसिन से कुछ मैं सिम्टम बताऊंगा। नंबर एक जो मेडिसिन है वो है एकोनाइट नेपेलस। सभी मेडिसिन को 200 पोटेंसी में लेना है गाइस। तो इसमें होता क्या है कि छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर आदमी टेंशन ले लेता है, तो और बहुत ही एक्साइटेड होता है और सडन ऑनसेट होता है कुछ समय के लिए, और इस तरह के सिम्टम अगर आते हैं तो आप एकोनाइट नेपेलस लेंगे। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो ये है बैक्ट्रियम 200 पोटेंसी लेना है। इसमें क्या, छोटी छोटी बातों पर आदमी टेंशन ले लेता है, वर इज वेरी ट्रिफेल्स इम्पल्सिव थॉट ऑफ सुसाइड, हमेशा उसको सुसाइड मतलब कि ऐसा होता है सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें, इस तरह के थॉट आते रहते हैं गाइस। इसके साथ ही साथ में कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर, नर्वसनेस, हेडेक ऑन अमाउंट ऑफ वरीज ओवर ट्रिफेल्स, कहने का मतलब कि वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है, डर उसको लगता है, और छोटी छोटी बातों पर लेकर सर दर्द होने लगता है, इन सभी चीज़ों की समस्याएं आपको आती हैं, तो आप बैक्ट्रियम ले सकते हैं। और इसके साथ में इग्नेशिया अमेरा है। इग्नेशिया अमेरा में क्या होता है कि पेशेंट बहुत दुखी होता है, इसी ही बात को लेकर दुखी है, अगर उसके घर में कोई ऐसी घटना हो गई इससे वो बहुत सैड है, जैसे मान लीजिए कोई किसी की डेथ हो गई, या फिर कोई उसका बहुत जो क्लोज था, बहुत उसे प्यार करने वाला था, वो बिछड़ गया, छूट गया, उसको छोड़ दिया, धोखा दे दिया, इन सारी चीज़ों से उसे अगर दुख होता है तो इग्नेशिया अमेरा की मेडिसिन ले सकते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। गाइस जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैलियम फॉस 6x। तो कैलियम फॉस 6x को लेना कैसे है, जो उपरोक्त मैंने सारी मेडिसिन बताया है उसमें 200 पोटेंसी की लेना है, और उसको दो घूम सुबह दो घूम शाम तक 15 दिन तक लीजिए, बहुत वंडर रिजल्ट आएगा। इसके बाद में जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ और साथ में सिम्टम बता रहा हूँ वो कैलियम फॉस 6x, इसकी 4 गोली सुबह 4 गोली शाम खाना है, 15 दिन तक लीजिए। गाइस इसके जो सिम्टम आते हैं वो ये हैं, इल इफेक्ट ऑफ वरीज लाइक मेंटल एंड फिजिकल्स, डिप्रेशंस आर वंडर फुली रिलीव्ड बाई यूज ऑफ दिस मेडिसिन। अगर इसमें फिजिकली और मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है या फिर किसी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस हैं तो इस मेडिसिन को लीजिए, इससे आपका मेंटल स्ट्रांग होगा और जितनी भी वरीज चिंताएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। मेडिसिन का नाम है कैलिफोर्स 6x, 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को लेना। गाइस अगर आपको इस तरह के नॉलेजियस वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी नॉलेजियस नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।
मैं डॉक्टर देवेंद्र, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।